नमस्कार, इलेक्शन बजेट मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। सुरुवातीला मोठी बातमी, 5 लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना नव्या करमाफीचा फायदा मिळणार नाहीये। 5 लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना पूर्वीसारखाच कर भरावा लागणार आहे। 5 लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना 2.5 लाखांचाच स्लॅब लागू होणार आहे। म्हणजे 5 लाखांपर्यंत ज्याचं उत्पन्न आहे त्यालाच याचा फायदा होणार आहे। 5 लाखांवर ज्याचं उत्पन्न असेल त्याला 2.5 लाखांच्या स्लॅबचाच कर आकारला जाणार आहे। मोठी बातमी आहे, 5 लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना नव्या करमाफीचा फायदा मिळणार नाहीये। पण ज्यांचं उत्पन्न 5 लाखांच्या आत आहे, 5 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना मात्र या निर्णयाचा फायदा होणार आहे, या घोषणेचा फायदा होणार आहे। 5 लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना 2.5 लाखांचाच स्लॅब लागू असेल हे स्पष्ट करण्यात आलंय। पीयूष गोयल अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषद पीयूष गोयल यांची, वित्तीय अनुशासन रखना, सेहत सुधारना, ये सब चीजें होने के बाद फिर सरकार अब एक एक चीजों पर जो इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर है जिनको जो जरूरी है, कोई पॉपुलिज्म नहीं है। आखिर बिजली भी हमने इन 4 साल में ही पहुंचाई, आखिर हमने आयुष्मान भारत भी इसी पीरियड में लोगों तक पहुंचाया, आखिर शौचालय कोई ओवरनाइट तो 9 करोड़ 10 करोड़ शौचालय नहीं बने, ये लगातार बनते गए। आप मुझे बताइए कोई सरकार जो इतनी बड़ी राशि सिर्फ मात्र शौचालय बनाने के लिए अलॉट करती हो या किसने किया हो। आज किसानों का देखिए, हमने सिर्फ 6,000 रुपए आत्मसम्मान किसान को एक वर्ष के लिए नहीं दिया, 12 करोड़ के लगभग किसान परिवारों को अब सालों साल हमेशा के लिए ये हर वर्ष 6,000 रुपए मिलेगा। एक गरीब किसान के जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, मैं समझता हूँ ये अमीर नामदार और जो खानदानी कमाई के ऊपर या खानदानी नाम के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं उनको समझना बड़ा कठिन। मैं इस पर किसान पर भी आऊंगा, उससे पहले एक बार फिर टैक्स वाली बात जो है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे शायद 2.5 का 3.5 हो जाएगा, तो इसलिए कई लोग कह रहे छप्पर फाड़ के मिल गया। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कुछ लोग कह रहे कैच भी है, कुछ स्पष्टता की अभाव है। स्पष्ट मैंने अभी प्रेस के सामने भी कहा और हाउस में भी, देखिए ये इंटरिम बजट है, हमने टैक्स जो आज के दिन रेट्स हैं वो सब सेम रखे, लेकिन जो बहुत निम्न मध्यम वर्गीय है, जो न्यू मिडिल क्लास है, उनको सर्टेनिटी हो उनके टैक्स की, जिससे TDS वगैरह ना भरना पड़े, नहीं तो अप्रैल में फिर रिफंड के लिए भागना पड़ेगा। तो उस वर्ग के लिए हमने टैक्स रिबेट बढ़ा के ऐसा कर दिया कि 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स ना भरना पड़े। अब इसके अलावा इतने सारे डिडक्शन भी तो है, और वो डिडक्शन लगातार ये सरकार NDA की सरकार ने चारों वर्ष में डिडक्शन बढ़ाई है, कुछ ना कुछ हर वर्ष दिया है करदाताओं को। तो इस सबको मद्देनजर रखते आज काफी बड़े संख्या में लगभग 3.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर आज एक प्रकार से टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। बाकी रही बात के जो बड़े टैक्स पेयर है, मैंने बजट में भी कहा कि एक प्रकार से देश में अगर गांव तक, गरीब तक, किसानों तक खुशहाली लानी है तो उसमें हम सब ईमानदार टैक्स पेयर ने जो टैक्स भरा वही तो योगदान है जिससे गरीब के जीवन में उज्ज्वला आएगा।